नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जहां पर आपकी सबसे मेन जो क्वेरी है वो हेल्थ, मैरिज और जजिशरी यहां पर रिलेटेड है, जज से रिलेटेड। तो यहां जो मैरिज के आपकी योग देखने को मिल रहे हैं, पहले तो एक लाइन दिख रही है जो कि इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं अफेयर या रिलेशनशिप में आप अप्रोक्सीमेटली टीन एज के लमसम में रहे हैं। देन आफ्टर जो यूनियन लाइन है वो वी कर्व बनाते हुए और एट द एंड वी कर्व बनाते चल रही है, जो कि मैरिड लाइफ के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ही नहीं माना जाता है। इट मीन्स मैरिज तो होगा लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस आने के बाद फिर क्लोजनेस आने वाली रहेगी। तो यहाँ जो यूनियन लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली 32 से लेकर 34 के बीच में इंडिकेट हो रहा है। वहीं लाइफ लाइन के पैरेलल में आएंगे तो यहाँ पर जो गार्जियन एंजल लाइंस कुछ स्टार्ट हो रही है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 33 के लमसम में ही हो रहा है। तो 32 से 34 का जो टाइम पीरियड रहेगा ये मैरिज के लिए आपके जो है बेस्ट यहाँ रहने वाला है। जहाँ तक बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ रिलेटेड बहुत मेजर प्रॉब्लम या ट्रबल यहाँ नहीं है, क्योंकि जो हार्ट लाइन है कंपेरेटिवली नॉर्मल यहाँ चल रही है। जो इशूज़ देखने को मिल रहे हैं वो आपकी हार्ट लाइन पर हैं। एक यहाँ आइलैंड देखने को मिलेगा, एक दो। तो जब इस प्रकार के आइलैंड होते हैं तो ये थोड़े से हेल्थ रिलेटेड ट्रबल लाते ही हैं और लाइफ में भी थोड़ा रुकावट या दिक्कत परेशानी देखने को मिलता है, जिसके कारण जो ग्रोथ है वो थोड़ी हुई यहाँ पर एक प्रकार से रुकी हुई देखने को मिलती है। लेकिन आगे चल करके आपको हेल्थ रिलेटेड भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा, क्योंकि जो सपोर्टिव लाइन है उनका काम ही यही है कि जो भी डिफेक्ट्स है उसको सुधारना लाइफ लाइन में। तो लाइफ लाइन में जो आइलैंड के फॉर्मेशन आफ्टर 32 बन रहे हैं उसका ज़्यादा अफेक्ट लाइफ में नहीं होगा। जहाँ तक बात करें जजिशरी की, तो यहाँ पर आपका जो हार्ट लाइन है कंपेरेटिवली एकदम स्ट्रेट यहाँ पर जा रहा है। ये वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स जो भी आप काम करेंगे उसको एक प्रकार से प्रैक्टिकल मेंटेलिटी के अकॉर्डिंगली और पंचुअलिटी के साथ करेंगे। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो आप जैसे लोग कम्युनिकेटर बहुत अच्छे होते हैं, जिसके कारण पूरे स्पष्ट रूप से दूसरों की बात सुनना और अपनी भी बात प्रॉपरली उनके सामने रखना। इन्वायरमेंटल नेचर भी रहता है तो उस कारण से हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के सक्षम भी रहते हैं और एक प्रकार से नेचर लवर भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कोई इशू या सर्कमस्टांसेस आपके साथ रहेगा नहीं कि ये चीज़ पसंद है तो यही काम करें, वो चीज़ नहीं पसंद है तो वो ना करें। यानी ओवरऑल ये प्रैक्टिकल मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है कि जैसी भी परिस्थिति हो आप अपना प्रैक्टिकल मेंटेलिटी या एटीट्यूड आजमाते हुए उस परिस्थिति के अनुसार ढल जाएंगे। तो जब भी बात आती है जजिशरी की तो आप जैसे लोगों को एडजस्टिंग और एक प्रकार से मैनिपुलेटिंग, ये दोनों चीज़ बहुत बेस्ट तरीके से आना चाहिए। तो हार्ट लाइन अगर ऊपर की ओर उठती है तो नॉर्मली ये एक प्रकार से जज वगैरह लोगों के लिए सही नहीं माना जाता है। रीज़न ये होता है कि फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनली डिसबैलेंस्ड हो करके जो है निर्णय लेते हैं या काम करते हैं या फिर अपना करियर जो है थोड़ा सा ट्रबल में लाते हैं। जजिशरी जैसे प्रोफेशन में प्रैक्टिकल मेंटेलिटी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसमें इमोशंस वगैरह का ज़्यादा रोल ना रहे। अदरवाइज यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो सपोर्टिव यहाँ पर हार्ट लाइन्स है वो ज़रूर यहाँ पर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा किसी भी काम के स्टार्टिंग में ट्रबल फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ये भाग्य रेखा को भी यहाँ पर काट रहा है। तो उस कारण से कहीं ना कहीं रुक रुक करके काम बनना या किसी एक काम के लिए दो बार मेहनत करने के योग बनते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बेसिकली सैटर्न के ही रेमेडीज़ करने होंगे, जिसके कारण लक आपका इम्प्रूव हो सके और यह आपके एक प्रकार से प्रोफेशनल लाइफ के लिए ज़्यादा जो है बेनिफिशियल हो। यहाँ पर आपका लक लाइन बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। रीज़न ये है कि यहाँ पर एक प्रकार से बहुत नीचे से ही फिर जो आपकी फेट लाइन है चल रही है और उसमें मून लक लाइन भी जुड़ा है। देन आफ्टर ये लाइन आगे की ओर गई है और उसमें से मल्टीपल्स लाइन यहाँ निकल के एक रेखा सन माउंट पे गई है, फिर एक रेखा यहाँ पर सैटर्न पर आई है और फिर मल्टीपल्स लाइन यहाँ अवेलेबल है। तो फेट में तो कहीं से कहीं तक आपकी कमी नहीं है, बस कमी ये है कि खुद के ही मूड स्विंग्स के कारण भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा आपका जो करियर है उस पर ट्रबल देखने को मिल रहा है। अदरवाइज जो ग्रोथ आपकी लाइफ में बेसिकली रहेगा वो 32 के एज के बाद से ही बहुत प्रोमिनेंट तरीके से रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद से ऑफशूट्स बहुत अच्छे निकले हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी आपके जो ये जो सन लाइन है अप्रोक्सीमेटली स्ट्रॉन्ग भी बहुत अच्छी हुई है। सन लाइन बेसिकली गवर्नमेंट से मिलने वाले बेनिफिट्स को इंडिकेट करता है, उस कारण से गवर्नमेंट जॉब लगना या गवर्नमेंट में कुछ हाई पोस्ट, हाई अथॉरिटी या सम्मान मिलना, वो सारे योग भी देखने को मिलते हैं। तो जब ये बेसिकली जो लाइन है ना प्रॉपरली सैटर्न पे गया है ना प्रॉपरली सन माउंट पे गया है, ये मिडिल में जा रहा है, जो कि अच्छे नॉलेज और एडवाइज़र गाइडर को इंडिकेट करता है कि आप दूसरों को एडवाइस
राय बहुत अच्छी दे सकते हैं, और वो जो नॉलेज है वो दूसरों के काम आने वाला रहेगा, वो आपके लिए ज़्यादा काम नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपका आने वाला जो टाइम है बहुत बेहतरीन रहने वाला रहेगा, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में आप बहुत जो है ऊँचे लेवल तक पहुँचने वाले रहेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ देख पाएंगे पाम के कंपैरिजन में आपके शॉर्ट है, जिसके कारण आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाला है, और उस एनर्जी का कन्वर्टेबल इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि जैसे ही कोई भी थिंकिंग आपके दिलो दिमाग में आएगी उस पर क्विकली रिएक्ट करना, इम्प्लीमेंट अपने थिंकिंग को एक्शन में कर देना, ज़्यादा सहन शक्ति आपके अंदर बेसिकली रहेगा नहीं, और यही रीज़न है कि क्विकली रिस्पॉन्स देना, क्विकली रिएक्ट कर देना किसी भी बात का, इस प्रकार के नेचर होने के साथ साथ ये जल्दबाजी हड़बड़ी को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि बेसिकली रिजल्ट की चाहत आप जैसे लोगों में ज़्यादा होती है, तो वो जो प्रोसेस या प्रक्रिया होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट देखना, टू द पॉइंट बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ कंपेरेटिवली ठीक है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका ठीक रहेगा, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे, कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। जब लिटिल फिंगर होती है और उस ऊपर से माफ़ करें, जब शॉर्ट फिंगर होती है और लिटिल फिंगर जब परफेक्टली देखने को मिले, आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं इंडिपेंडेंटली वर्क करके, और अपने अंडर में जिसको भी आप रखेंगे उससे बहुत अच्छे से आप काम निकलवा लेने में सक्षम रहेंगे, और सामने वाला व्यक्ति जो आपके अंडर में भी आएगा वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा, क्योंकि आप उसका जो ट्रबल है वो समझ पाने में सक्षम रहेंगे, उसको हमेशा बेनिफिट्स भी देते रहेंगे। तो ये दया भाव की दृष्टि को भी व्यक्त करता है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ सेम है, तो ये रिसर्चिंग नेचर को बताता है। इट मीन्स पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ लाइफ में प्रैक्टिसेस करते रहना, रिसर्च करते रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, और रिस्क भी अपने लाइफ में परफेक्टली लेने वाले रहेंगे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली ये यहाँ रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपके जो फिंगर है उसके ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव के लिए पर्याप्त मानी जाती है, परंतु आड़ी रेखा भी है जो रिलेशंस में अनबन मतभेद के योगों को भी व्यक्त करता है। अदरवाइज कोई ज़्यादा बिग इशू ट्रबल आपको यहाँ रहेगा नहीं, लेकिन तब भी रिलेशंस मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन करियर वाइज अगर देखा जाए तो रहने वाला है। इसीलिए जितना हो सके थोड़ा एग्रेशन और बाकी जो इमोशन में उतार चढ़ाव होता रहता है उसका अफेक्ट अपने किसी भी रिलेशन में ना आने दें। अंदरूनी मंगल थोड़ा कम एरिया ले रहा है, जिसके कारण फिजिकली स्टेमिना जो होता है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है, तो उसके लिए एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे थंब का साइज, तो थंब का साइज सशक्त मजबूत है, तो कोई भी बात को आप भूलेंगे नहीं, छोटी से छोटी बात आपको इतने परफेक्टली याद रहेगी, और खासकर लोगों द्वारा कही बात तो बहुत ज़्यादा आप पकड़ के भी रखेंगे, तो ये चीज़ थोड़ा सही नहीं माना जाता है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली, लेकिन एज अ मेमोरी देखा जाए तो वो उसके अकॉर्डिंगली ये बेस्ट है। फर्स्ट फेलेंस की लेंथ सेकेंड फेलेंस के कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, और यहाँ पर भी आपका जो है यव चिन्ह बना है, जिसके कारण मेमोरी शार्प रहेगा, मेडिटेशन करने के द्वारा सिक्स सेंस और इंट्यूशन पावर भी आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला रहेगा, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, और धार्मिक अगर रहेंगे तो पीसफुलनेस हैप्पीनेस भी लाइफ में देखने को मिलेगा। बाकी बात करें यहाँ पर आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपका लंबाई में ज़्यादा है, तो बैठे बिठाए अधिक कार्य करने की क्षमता रहेगी, ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम आपको पसंद नहीं रहेगा, और थोड़ा सा ऑर्डर टाइप ऑफ नेचर यहाँ आपका रहने वाला है, ऑर्डर दे करके दूसरे से काम करवाना। अदरवाइज यहाँ देखें तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन ठीक डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा ऊर्जा जीवन के प्रति उत्साह उमंग ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेगी। थंब का साइज़ भी कंपेरेटिवली यहाँ पर स्ट्रांग है, और थिंकिंग जोन भी ठीक डेवलप है, एक्शन जोन थोड़ा वीक हो गया है। इट मीन्स कोई भी काम करने से पहले सोचें विचारेंगे भी ज़्यादा, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा होगा कि प्लानिंग ऑन पेपर होगा, एक्शन में कम आएगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर माइंड लाइन से आपकी प्रोग्रेस लाइन पहुँची है। इट मीन्स हमेशा आप नॉलेज गेन करते रहेंगे, जितना नॉलेज आपके पास है कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कम है, और यही रीज़न है कि हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते रहना, सीखते रहना, माइंड को चैलेंजेस देते रहना, उस प्रकार के योग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस कारण एक्सपीरियंसेस अच्छे गेन होते हैं, और मेंटल लेवल पर जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग अच्छी होती जाती है। और यहाँ पर आपका स्क्वायर का साइन है एक, जो कि पॉजिटिव होता है, मैरिड लाइफ आपकी बहुत
सक्सेसफुल रहने वाली है। रीज़न ये है कि जब स्क्वायर का साइन होता है और खासकर गुरु के क्षेत्र पर, तो ये मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बना करके रखता है। तो इसके लिए जो यूनियन लाइन में थोड़ा इश्यूज दिख रहा था वो अब जो है प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का साइन हो गया तो जितने भी ऐसे मैरिड लाइफ से रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड क्राइसिस या प्रॉब्लम रहते हैं वो तकरीबन धीरे धीरे करके दूर भी अच्छे होने लगते हैं। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पर हल्की हल्की जो रेखाएं पहुँची हैं ये आपको बहुत एम्बिशियस नेचर का भी बनाएगी, जुनून आपके अंदर अच्छा रहेगा कोई भी चीज़ हासिल पाने का। सैटर्न माउंट की जो मैं बात कर रहा था, तो सैटर्न माउंट डेवलप्ड नॉर्मल है यहाँ पे, और यहाँ पर यही हुआ कि जो मल्टीपल्स लाइन है ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है, लेकिन आड़ी रेखा इंडिकेट करती है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएगी लेकिन उसको ईजिली ग्रैब नहीं कर पाएंगे, लेक ऑफ नॉलेज के कारण कह सकते हैं या लेक ऑफ एक प्रकार से प्रेजेंट मोमेंट के कारण कह सकते हैं। और ये बेसिकली अफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस की आकृति बनती है जो कि मूड स्विंग के प्रॉब्लम को बताता है, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना तो कभी बहुत ज़्यादा लाइटली चीज़ों को लेने लगना, ऐसे जो है सर्कमस्टांसिस बहुत क्रिएट होते हैं जिसका डायरेक्ट अफेक्ट आपके लक पे भी और करियर पे भी पड़ रहा है। इसीलिए इसके रेमेडीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच की ये रेखा अच्छे नॉलेज एडवाइज़र को इंडिकेट करती है, अगेन आपका नॉलेज दूसरे के लिए बहुत अच्छा काम आने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ जो सन माउंट है डेवलप्ड नॉर्मल है, और बाहरी मंगल से आने वाली रेखाएं हिम्मती स्वभाव को ज़्यादा व्यक्त करती है, लाइफ में पराक्रम यानी मेहनत ज़्यादा रहेगी और ओवरऑल सक्सेस भी ठीक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आड़ी रेखा थोड़ा सा जो है पिता व उनके समान सभी लोगों से लगभग रिलेशन में या वैचारिक मतभेद में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अदरवाइज़ यहाँ पर यश का योग का जो है निर्माण हो रखा है, तो लाइफ में स्ट्रगल के बाद ही आपको सक्सेस पूरा मिलेगा और प्रॉपर्टी के चांसेस भी खुद के द्वारा अर्जित किए हुए होने के अच्छे हैं। मर्करी माउंट डेवलप्ड यहाँ पर नॉर्मल है, और यहाँ पर स्क्वायर का साइन होना अच्छी बोली को व्यक्त करता है, अपने बोली से दूसरों को अच्छा प्रभावित कर सकते हैं, अपना काम दूसरों से अच्छे से निकलवा सकते हैं, क्योंकि जब मर्करी पर स्क्वायर साइन होता है तो खास तौर पर ये बिजनेस मैन के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है जो बिजनेस में एंगेज हो, क्योंकि जो डीलिंग करते हैं या जिससे बातचीत करते हैं तो उसको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेना या अपने बातों से किसी को भी अपनी बात मनवा देना, वो सारे कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलता है। तो ये जो एबिलिटी है इसके अकॉर्डिंगली ग्रोथ लाइफ में बोलचाल के द्वारा बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और अपने बोली के द्वारा ही आप जिस लोग प्रचलित ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर हार्ट लाइन पर आए तो हार्ट लाइन के एंड में गोपूज की आकृति है जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को इंडिकेट करता है, और हार्ट लाइन यहाँ पर कंपेरेटिवली स्ट्रेट यहाँ पर जारी है जो वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है। यहाँ से निकलने वाली एक रेखा मंगल पर भी झुकी है जिसके कारण एग्रेशन थोड़ा आपका ख़राब रहने वाला रहेगा, उस पर कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एग्रेशन ही नहीं बल्कि जल्दबाजी हड़बड़ी बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करना उसके अंदर चेंजेस अडॉप्ट करना वैसे योगों को भी इंडिकेट करता है। बाकी एज अ अगर हेल्थ वाइज बात की जाए तो कोई बिग इशू यहाँ पर नहीं है आपका। माइंड लाइन पर आते हैं तो माइंड लाइन का फ्लो यहाँ पर ओवरलैपिंग के द्वारा कंपेरेटिवली नॉर्मल यहाँ पर चल रहा है, और कुछ हल्की हल्की रेखाओं के द्वारा फिर माइंड लाइन ओवरलैपिंग के द्वारा आगे की ओर भी बढ़ रही है। तो ओवरऑल देखेंगे तो माइंड लाइन स्ट्रेट है, और इसका जो एक प्रकार से विभाजन भी है वो सूर्य माउंट के नीचे हुआ है। इट मीन्स लाइफ में और ज़्यादा गेन करेंगे जब आप कहीं ना कहीं बेसिकली फील्ड में आएंगे, और ज़्यादा जैसे फील्ड वर्क यानी ये उम्र आपका है 35 के बाद में गवर्नमेंट के इश्यूज़ को आप और ज़्यादा एक प्रकार से अपने अंडर में लेने लगेंगे, यानी एक प्रकार से गवर्नमेंट के लिए शासन के लिए राजनेताओं के लिए या बड़े लोग जो फेमस हैं उन लोगों के लिए आप काम करना ज़्यादा या उनसे रिलेटेड केसेस पे स्टडीज़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। अदरवाइज़ माइंड लाइन स्ट्रेट है जिसके कारण कोई ऐसी बिग प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सीधे स्पष्ट रूप से सोचना विचारना बातचीत करना आपको ज़्यादा यहाँ पसंद रहेगा, और मेमोरी बेसिकली ये शार्प को इंडिकेट करता है, तो सीखने समझने की क्षमता के साथ साथ हर बात को याद रखने में भी सक्षम रहेंगे। तो माइंड लाइन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आपके। लाइफ लाइन से रेखा निकल के सीधे आपके बाहर की ओर भी जा रही है जो विदेश यात्रा का सूचक होता है, तो इस कारण से यात्राओं का जो लाभ है आपको जीवन में अच्छा मिलने वाला रहेगा। और जो सपोर्टिव लाइन से इस कारण से समय समय पर दूसरों का सहयोग आपको मिलते रहेगा जिसके कारण जो हर्डल्स या ट्रबल है वो भी कम होंगे और जो ड्रीम डिज़ायर है वो कंप्लीट भी होगी। अब अंदरूनी मंगल आपका वीक है, बाहरी मंगल ठीक है, तो इस कारण से मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और एक प्रकार से स्ट्रांग भी है, लेकिन फिजिकली लेवल पे अनस्टेबिलिटी, इट मीन्स इतना ज़्यादा स्टेमिना ऊर्जा
रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको विकसित करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मंगल बॉडी का कारक होता है, रक्त का कारक होता है, तो उससे रिलेटेड व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शुक्र का क्षेत्र एरिया बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो कभी भी आप अपने लाइफ स्टाइल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और खर्चों पर तो आपको बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहेगा, और ये खर्चे अपनी सुख सुविधा को दिखाने में, अर्जित करने में, रॉयल्टी को मेंटेन करने या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में ज़्यादा रहने वाले हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी है, जो माफ़ करें शुक्र पर, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छा इंडिकेट करती है। केतु पर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रेवलिंग अच्छी कराती है, और यहाँ से निकलने वाली कुछ और शाखाएँ आपको बेसिकली फैमिली से मिलने वाले बेनिफिट्स को इंडिकेट करता है। अदरवाइज़ यहाँ पर मरकरी लाइन नहीं है, अगर मरकरी लाइन होता तो आपको थोड़े बहुत भी जो इश्यूज़ आ रहे हैं मंगल से भी, वो भी फिर नहीं होते, लेकिन कोई इशू नहीं है यहाँ पर बहुत बड़ा। चंद्र का क्षेत्र ज़्यादा डेवलप है, तो काल्पनिकता थोड़ी ज़्यादा रहेगी, यानी ख्याली पुलाव थोड़े से ज़्यादा आपको रहने के योग हैं, इसीलिए खाली बैठना तो बिल्कुल भी आप प्रेफर ना करें, क्योंकि इसके द्वारा ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग बढ़ना ही है। अगर कुछ क्रिएटिविटी है तो उसके ऊपर काम कर लें, लेकिन कभी भी खाली अपने आप को ना रखें, क्योंकि इससे थोड़ा सा दिक्कत आपको बेसिकली फेस हो सकता है। और मून लक लाइन भी जुड़ी हुई है, तो इस कारण से बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों का सहयोग भी आपको हमेशा मिलते रहेगा, यानी क्लाइंट्स से आपके रिलेशन जो है फेमिलियर होने के योग भी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके लेफ्ट पाम के विषय में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका जो लक लाइन है वो माइंड लाइन से ही मर्ज होकर के आगे की ओर बढ़ रहा है, तो खुद की मेंटेलिटी के, खुद के नॉलेज के अकॉर्डिंगली ग्रोथ आप अपने लाइफ में अच्छा कर पाएंगे। फिर एक जो है जीवन रेखा बाहर की ओर निकली है, फिर एक अंदर की ओर चल रही है, तो इस कारण से लाइफ स्टाइल में चेंजेस भी बहुत देखने को मिलता है। और सन माउंट से होते हुए सैटर्न पर जाने वाली ये लाइन व्यक्ति को न्यायाधीश बनाती है, यानी बहुत ऊँचे लेवल पर, तख्ते पर आप जो है विराजमान होने वाले रहेंगे, और पहले थोड़ा लाइफ में आपके स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सैटर्न माउंट्स पर मल्टीपल्स लाइन आकर के काट रही है। और यहाँ देखेंगे आप तो आपको स्टार टाइप ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो गुड नेम, फेम और रेपुटेशन को इंडिकेट करता है, जो आफ्टर 35 एज के बाद ये जो फॉर्मेशन है, ये इसका रिजल्ट जागृत होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आने वाला जो टाइम है आफ्टर मैरिज, आपको ग्रोथ लाइफ में ज़्यादा है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।